लेकिन वापस आते हैं नफसियाती चीज़ पर। सो उसमें ये है कि माओं के लिए हार्मोनली ये बहुत फ़ायदेमंद है उनकी नफसियाती सिचुएशन को कंट्रोल करने में और उनके लिए कंफर्टेबल जर्नी डेवलप होने में, बिकॉज पैदाइश के फौरन बाद उनके अपने हार्मोन्स भी देर एट एन एज, ठीक है, वो एक हायर लेवल के ऊपर होते हैं। हवा भी तेज़ चल जाए तो नई माँ को रोना आ जाता है, ऐसे होता है, एंड दिस इज़ नॉर्मल एंड पीपल गो थ्रू इट। हमारे यहाँ इसको बहुत लोग इस तरह से डिमोनाइज भी करते हैं कि हमने भी बच्चे पैदा किए, ढाई महीने की है, छोटी छोटी बात पे रोना आता है, होता है। और मुझे कब मतलब कोई बंदा वैसे ही घूम के अगर कोई कह देगा ना कि हाय तुम्हारा तो वेट ही नहीं अभी तक उतरा, उस पर रो पड़ूंगी। कोई घूम के कहेगा उफ इतनी जल्दी तुमने वजन कम कर दिया, उस पर रोना आ जाएगा। बच्ची माशाल्लाह कितनी प्यारी है, मेरी वीडियो मेरे बच्चे की तस्वीर किसी ने लगा ली अपने सोशल मीडिया पे, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मुझसे पूछा नहीं, मतलब हर बात पे रोना आता है बिकॉज ये हार्मोनल है। माँ बहुत नाजुक मरहले से गुजर रही होती है इस वक्त, उसने 9 महीने अपने अंदर एक इंसान को पैदा किया और बड़ा किया है कि वो एक जीता जागता इंसान बन के निकला है। इट्स अ ह्यूज डील। तो ब्रेस्ट फीडिंग से ये फीलिंग्स भी कंट्रोल होती हैं। ये भी कंट्रोल होती हैं हार्मोनली। दूसरी चीज ये कि नफसियाती तौर पे बच्चे को जो अटैचमेंट होती है ना, हमारे यहाँ ये बहुत करते हैं कि ओ बच्चा जो है वो तुम्हें एज अ पैसिफायर यूज कर रहा है या कंफर्ट फीड कर रहा है, ये वो, ये सारी चीज़ें, इवन जो नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग कहलाती है कि वो बच्चा जो बगैर दूध पिए ही लैच ऑन कर रहा है, इसका इन द लॉन्ग रन उस बच्चे की पर्सनैलिटी पे सारी ज़िंदगी बहुत असर होता है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए तो 90% ऑफ देयर क्लाइंटेल उनके इश्यूज जो हैं वो शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स की अनअटैचमेंट की वजह से हुए हैं, ठीक है। सो ये जो अटैचमेंट पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट गोज वेरी हैंड इन हैंड विद ब्रेस्ट फीडिंग। कि अगर आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, आपके साथ लगने की कोशिश कर रहा है, बार बार दूध मांग रहा है, उसको परे ना करो, दूर मत कीजिए। वो आप अपने बच्चे की कोई आदत नहीं बिगाड़ रहे। देखिए 2-2.5 साल से पहले बच्चे की वो कॉग्निटिव स्किल्स नहीं होती हैं, मतलब वो मेंटली इतना डेवलप्ड नहीं होता कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके किसी चीज के लिए। बेचारा कि जो उसकी जरूरत है उसको कि मामा के रोता है कि गोद में उठा लो या लगा लो। अब बड़ी दफा नूर को कुछ नहीं चाहिए होता, रो रही होती है, उसने बस साथ गोदी में, क्योंकि गोदी में पकड़ के मुझे थोड़ी देर सुला ले। स्किन टू स्किन सबसे बड़ी जो आई थिंक पहले 2-3 महीने में तो स्किन टू स्किन एक इतनी वैल्यूएबल चीज है ना कि उससे आपका दूध भी बढ़ता है, ठीक है, और आपका बच्चा जो है उसकी ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है। आप जितना आपको टाइम मिले आप अकेले में कमरा बंद करें, हीटर लगाएं, आराम से कमरे को कोजी करें और अपनी शर्ट रिमूव करें, बच्चे के कपड़े रिमूव करें और उसको अपने साथ लगाएं, ऊपर से कंबल ले लें। सो जब बच्चा पैदा होता है तो वो 8 से 12 ऐसे रिफ्लेक्सेस लेके पैदा होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग में उसकी मदद करते हैं। जितना आप स्किन टू स्किन करेंगे वो सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो रिकिंडल होते जाते हैं, वो वापस बच्चे को याद आते जाते हैं, तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी उतनी स्मूथ जाती है आगे। सो बेसिकली और बच्चे के साथ आपकी अटैचमेंट भी बिल्ड होती है। सो नफसियाती और मेडिकल दोनों बहुत से बिल्कुल। और एक और चीज़ जो लोगों को ऐसे लगता है कि ओ अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा बच्चा कभी मेरी जान ही नहीं छोड़ेगा, या वो वेलक्रो बेबी बन जाएगा, या वो साथ चिपका रहेगा हर वक्त, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे बल्कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। मेरी बेटी 3 साल की है, वो मैं उसको आराम से घर में छोड़ के आई हूँ, वो मुझे कह के है कि मेरे लिए फलां चीज़ लेके आना, ठीक है। उसने जिस वक्त दूध पीना छोड़ा, इवन उससे पहले भी वो फिरती रहती थी, जब उसको चाहिए होता था वो मेरी उंगली पकड़ के बेडरूम में ले जाती थी। सो वो आके ना उंगली खींचना शुरू हो जाती थी, तो आपको ठीक है, वो मुझे पता चल जाता था कि भूख लगी है, टाइम है, भूख लगी है या प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, वो चढ़ के गोद में बैठ जाएगी, या वो अभी भी रात को सोते सोते दिल चाहेगा तो गले लग जाएगी, नहीं तो दूसरी तरफ मुंह करके सोती रहेगी। सो ये कॉन्सेप्ट के बच्चा हमेशा चिपका रहेगा ना साथ, वो नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उससे। देखिए वो एक मूवी में लाइन थी ना, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मैंने बड़ा सोच समझ के 3 बच्चे पैदा किए, और फैसल के अपनी प्रीवियस शादी से भी 2 बच्चे हैं, तो मिलजुल के हम दोनों के 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
मुझे बड़े लोगों ने कहा तुमने अपना करियर, तुमने अपना काम, सच्ची बात है, अरे फर्क तो पड़ा। हाँ, मेरी आपसे उस दिन बात हो रही थी तो मैं आपको कह रही थी कि कभी कभी महसूस होता है कि बच्चे पैदा करने के उसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें जो है गिव अप की, लेकिन अगर मुझे वापस जाके फिर से ये सारा कुछ करना पड़े तो मैं फिर इसी जर्नी को चूज करूँ, क्योंकि ये मैंने चूज किया। एग्जैक्टली। तो आप अगर बच्चे पैदा कर ही लिए तो उनको लाड भी दे दो, उनको टाइम भी दे दो, उनके साथ खेल भी लो, कूद भी लो। देखो रोजी रोटी और बाकी ये जो करियर ये सारी चीजें, आई फर्मली बिलीव के जो लिखा हुआ है वो मिलना है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल। सो यू नो आई गेस एक क्लैरिटी जरूर चाहिए थी कि माँ के दूध की क्या इंपॉर्टेंस और क्या सिग्निफिकेंस है, एक जनरल ओवरव्यू, और कुछ आपसे मैं मिलाना भी चाह रही थी। अच्छा, अगर लोग आपसे राबता करना चाहें रीम तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है लैक नेशन के नाम से, लैक नेशन LACTNATION लैक नेशन के नाम से, वहाँ आ जाइए, वहाँ पे मेरे लिंक्स वगैरह हैं, ऑनलाइन कॉन्सल्ट, आजकल कोविड की वजह से तो मैं ऑनलाइन कॉन्सल्ट ही कर रही हूँ, हम इसीलिए बाहर शूट कर रहे हैं। सो लेकिन ये कि अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बहुत जल्द इन पर्सन भी मेरा क्लिनिकल आवर्स भी शुरू होने वाले हैं, तो उसकी भी सारी डिटेल्स ग्रुप में या उसके पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। अभी तो आप लाहौर बेस्ड हो, और ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, तो ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप नहीं फॉर एग्जांपल अफोर्ड नहीं करते या फॉर व्हाटएवर रीज़न आपको कोई प्रॉब्लम है, तो लैक्ट नेशन के ऊपर इनको, इनके फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें और इनको डायरेक्ट मैसेज करके अगर कोई ऐसा सवाल है तो पूछ लीजिएगा, उस तरह से गाइड करने वाली चीज़ों की तो ज़रूर आपको हरीम हेल्प करेंगे। एब्सोल्युटली। नहीं, माय फेसबुक मैसेंजर इज ऑलवेज ओपन, वो सारी माओं के लिए हमेशा खुला होता है, जिसको भी मैसेज करना हो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। हरीम सुंबल दुनिया में एक ही है, हरीम एड्रेस मिल जाता है आराम से। सो वो बड़े आराम से मैं सर्च हो जाऊंगी और आप मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ ऑब्वियसली, वो उसमें बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है, एनीबडी कैन रीच आउट। वंडरफुल। आई होप कि ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी सी डिटेल में हमने कोशिश की के बात करें बट एट द सेम टाइम सर्फिस लेवल पे ही हमने बातों को टच किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हरीम हमें गाइड करेंगी कि क्या मिथ्स हैं या क्या ऐसी गलत बातें हैं जो सुनने को मिलती हैं, जैसे कि मुझे तो बड़ा वादा किया गया था पहले बच्चे की बारी कि दूध पिलाओगी तो वजन ऐसे उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और हरीम ने वादा किया कि वो शूट कराएंगे ये वाली वीडियो, तो इस पर हम मजीद बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच हरीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।